हेलो फ्रेंड्स, एक नई सुबह के साथ कारवां भारत के एक और एपिसोड में आप सभी का बहुत 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 स्वागत। उदयपुर से अब हम निकल चुके हैं कूनो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की तरफ मध्य प्रदेश, और हमें अभी एक ओवरलैंडर गाड़ी ने ज्वाइन किया है जिसे यज्ञेश जी चला रहे हैं, जो अहमदाबाद से है। आगे आज बहुत सारी गाड़ियाँ हमें, बहुत सारे ओवरलैंडर्स हमें मिलने वाले हैं। और गाड़ियाँ तो क्या एक निर्जीव चीज़ है, पर ओवरलैंडिंग जो लोग करते हैं, उनका जो जज्बा होता है, उनकी जो इंस्पिरेशन होती है, उनका जो सेटअप होता है, वो सब आज हम वहाँ पहुँच के हम भी देखेंगे कि कितनी कितनी भिन्न प्रकार के सेटअप वहाँ पर हैं। और आपको भी एक एक गाड़ी विस्तृत तौर पे बताएंगे किस प्रकार सबने अपनी अपनी गाड़ी में इस प्रकार कैंपर वैन सेटअप किया है। छोटी गाड़ियाँ भी हैं जिसपे रूफ टॉप टेंट लगा के इस प्रकार की व्यवस्था की गई है, और हमारे जैसी भी कुछ गाड़ियाँ हैं जिसमें एक फुल फ्लेज कैंपर वैन की तरीके की व्यवस्था है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, और जैसे ही कूनो पहुँचेंगे आपको अगला अपडेट देंगे। वैभव भैया चलिए चलिए लीजिए, ये हमारे दोस्त सबसे बेस्ट परमानेंट दोस्त। हाँ, तो फाइनली हम लोग वन विश्राम ग्रह से सही पूरा पहुंच चुके हैं। नमस्कार। नमस्ते भाभी। हमारे अंदर उत्साह होने लगे। हेलो सुषमा। हेलो। ये तो आप तो मिले होंगे, आप तो मिल चुके हैं। ये मेरी वाइफ हैं श्रद्धा, वो उनके डॉक्टर साहब हैं, वो भी डॉक्टर साहब, दोनों डॉक्टर साहब। आप लोग कहाँ से? हैदराबाद। ग्रेट ग्रेट, अच्छा आ गया। फिर भी दो तीन दिन पहले हैदराबाद वाली गैंग पूरी कल सुबह निकले, आ जा रही है। क्या बात है, ग्रेट ग्रेट। विड्रो रात में नींद नहीं आई तो ड्राइव करके आ गए। अरे वाह, करवा दी है बिल्कुल ठीक है, जो भी सही हो गए। हाँ नहीं नहीं बिल्कुल ही ठीक है। बैठी आई आई बैठ नहीं, अब यहाँ यहाँ बैठी है ना चेयर पे, अब याद आ रही है। तो वैभव भैया याद दे, प्रणाम सबको सबको करो। इधर तो आओ, इधर तो देखते रहते हैं हम वीडियो में, सबको करो साथ में। अच्छा विवेक जी, हाँ। आप एक, आपको करंट चाहिए होगा है ना? नहीं, अब हमारे पास सोलर है, अगर चाहिए तो गाड़ी आप यहाँ लगा लो, हाँ करंट मिल सकते हैं, करंट ले लेंगे। हाँ वैसे चाहिए नहीं सर, तो इजी रहता है। सो फ्रेंड्स, फाइनली हम पहुँच चुके हैं कूनो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के विश्राम ग्रह। विक्रम जी को तो आप जानते हैं, क्या बार 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 आ जाते हैं, इंट्रोड्यूस कराए। वैभव को भी आप जानते हैं, अपने ब्लॉग्स बनाते हैं, ये इनके ब्लॉग्स आप जरूर देखें। ये अभी तो और लोगों से भी अभी आपको थोड़ी थोड़ी देर में इंट्रोड्यूस कराएंगे। चलिए पीछे चलते हैं, विसिल की आवाज़ आपको आ रही है, उनसे आपका परिचय कराते हैं। तो ये हैं यज्ञेश जी, ये उनकी श्रीमती जी, ये उनका एक छोटा सा कैंपर वैन, बहुत ही सुंदर। और बहुत कैंपर वैन में बड़ा सा कुकर। क्या बना रही हैं भाभी जी? दाल फ्राई जीरा राइस। अरे ग्रेट ग्रेट। ये होता है ग्रुप भोजन, जब आप अकेले, आप ऐसा मत सोचिएगा कि आप अकेले कैंपिंग करेंगे और इतनी सारी, क्यों सर सही बोल रहा हूँ, सही बोल रहा हूँ, इतनी सारी चीजें बना लेंगे। ये बहुत सब हाथ मिलके इतना होता है, सब हाथ मिलके इतना हो पाता है। अकेले तो एक रोटी एक सब्जी में काम चलता है। सामने टीवी है, एक साउंड बार है, आप इसमें ये रिक्लाइनर है, ये रिक्लाइनर है कि पूरा ये जो है ना पीछे कॉरेस्पोंडेंट खड़ी है, आपकी फोटो ले रही है, ये पूरा रिकॉर्ड हो रहा है और YouTube में तुम वायरल होने वाली हो। सर नमस्कार। नमस्कार विक्रम। नमस्ते।
कहाँ लगाएं इसको? पैरेलल में लगा देंगे, विवेक जी के पैरेलल में। छुप जाएगी ना गाड़ी इनकी, छुप जाएगी गाड़ी इनकी। एक मिनट रुकना, उधर ही रुक। किचन मिशन कहाँ पे है? ऐसे लगवाओ, ऐसे ऐसे लगवाओ। आपका किचन कहाँ पे खुलता है? किचन का सेटअप कैसे? आप पहले उतर जाओ, पहले उतर जाओ नीचे, पहले नीचे उतर जाओ। लगेगा गाड़ी आराम से। आपका किचन का धोता है? अभी खिलाते हैं, रुक जाओ। अभी बहुत अच्छा हुआ इन्होंने ये नहीं पूछा वॉशरूम किधर है आपका, मैं अभी आता हूँ। हम उनकी उनकी लिए पूछ रहे हैं। और ये हमारी मोस्ट अवेटेड कैरवन मैटाडोर। अमित जी नमस्कार। अरे बाप रे बाप, लाइट एक्स्ट्रा कैमरा कैमरा वाली बात शूटिंग के लिए। इनका दो डॉक्टरों की गाड़ी साथ साथ लगवा दी है डॉक्टर साहब। सर पर अरे हम इनकी इनकी गाइडेंस में तो आए, ये कहे तुम तो ये तो रात भर चले, हमने इनसे मोटिवेशन लिया, हमने कहा चलो ओरछा में हमें झांसी से झांसी में रुको मत आ जाओ। हमने और विश्वास जी ने बुक किया हुआ था, क्या नाम है वो तो रुक गए। हमने बोले हम नहीं जाएंगे, फोटो वोटो लेनी। हमने कहा सर हम तो निकल रहे हैं, बच्चों के साथ टाउन जाम फैलाओ, फिर उसके बाद गुड दैट यू केम। तो रात हो चुकी है, ये दूसरा कैरावन है जिसमें सुबोध जी हैं इनकी फैमिली के साथ। क्या बन रहा है भाभी जी आज? तन्वी बना रही है खिचड़ी। अरे वाह ग्रेट। क्या हुआ सर, सेटलमेंट हुआ नहीं हुआ? सर सेटलमेंट चल रहा है। क्या ये टेंट आया कल? अच्छा, तो मैं आज पहली बार ऊपर चढ़ के, बच्चे ही ऊपर चढ़ के देख रहे थे। मतलब अब अभी तो आपकी क्यूरियोसिटी है। अरे मैं बताऊँ, क्यूरियोसिटी तो बहुत सारी है। अब हम यदि सोचा कितने लोग सो पाएंगे, तो अब ये बोलती है दो सो पाएंगे तीन, हमने कहा चलो घुस जाएंगे और कर रजाई हो जाए तो है ही। क्या बात, तो देखते है। मतलब आपका फर्स्ट डे होने वाला है रूफटॉप टेंट पे? हाँ, अरे फर्स्ट डे, कल तो सुबह आया, कल दिन भर लगाया ये उधर ऑनिंग और आज सुबह निकल। मतलब कल पूछेंगे आपसे कैसा लगा आपको। अभी भी समझ में आया कि जूते इसमें रखे जाते हैं, इतना ज्ञान मिला है। ग्रेट, ऐसा है। और ये मैडम यहाँ घुसी हुई है, क्या ढूंढ रही है? बर्तन को निकालो। बर्तन, तो ये देखिए वी क्रॉस के पीछे पूरा स्टोरेज है। और अभी तो समय, क्यों भाभी जी पहली बार जमा के लाई हैं सामान? तो अभी तो कोई सामान जो सबसे जरूरत का है वो सबसे नीचे दबा होगा। अरे बिल्कुल एग्जैक्टली यही है ना, यही हो रहा है क्योंकि हम हमारे अनुभव से सिर्फ एक हां कि सब आ जाए भर लो। अब ऐसा लग रहा है कि सिस्टमैटिकली अरेंज होता तो बेटर होता। सही बात है। ओके बनाने तो दो, उसके बाद देंगे फ्रेंड्स को भी। फ्रेंड्स बन गए इनके, मतलब बहुत सारे। ग्रेट, आपका काम बहुत हल्का हो गया। मैं जाऊं? जाऊं मैं? मांगना नहीं पड़ेगा। आ जाऊं? ठीक है जाऊं। क्या खाएंगे आज आप? स्पैगेटी और गार्लिक ब्रेड। क्या बात है, एकदम। ये आपके फेवरेट हैं या आज ही खाएंगे? आज। बस आज खाएंगे? हाँ। फिर कल कल क्या खाएंगे? माय गॉड, और ये रिकॉर्ड भी हो चुका है, ये दुर्घटना रिकॉर्ड हो चुकी है कैमरे में। पापा मुस्कुरा कर देना, मम्मा ने सारे गिरा दिए। पापा मम्मा ब्रेड भी गिरा दी मम्मा के पैर पे, गिरा भी। डू यू इवन केयर? आई डोंट केयर। ओह यू डोंट केयर? व्हाई? क्या गिरा? आपका इंतजार था बहुत देर से, उनकी धर्म पत्नी। जो खाना बहुत ही अच्छा बनाती है सब कर मेकअप में, मैं आपको कंप्लीट होगी।
हाँ मेकअप में हाँ, आपका एक डायलॉग था ना, अभी तो मेकअप करना बाकी है। काम करते करते वो पीछे रह जाता है, वो हो ही नहीं पाता है। पर जब ऑन कैमरा आने तो आपको वेल ड्रेस्ड होना है। नहीं वो तो साथ में रखती हूँ, देखो यहाँ पर मेरा सब कुछ है। चलिए आइए प्लीज, मैं घुमा लूँ गाड़ी। फ्रेंड्स आज 9 और एक 10 ओवरलैंडिंग व्हीकल्स ने हमें ज्वाइन किया और विक्रम जी के अलावा लगभग सभी वो लोग थे जिनसे मैं भी पहली बार मिल रहा था। पर आपने देखा होगा, आपको कतई ऐसा महसूस नहीं हुआ होगा कि वी ऑल मेट फॉर द फर्स्ट टाइम। यही एक वाइब्स होती है, ये फ्रीक्वेंसी होती है जब आप समवैचारिक लोगों से मिलते हैं। भले ही आप पहली बार मिले पर मिलके उतनी ही आत्मीयता, उतना ही अपनापन आपको लगता है जैसा कि हमने महसूस किया। आगे और बहुत कुछ है इस एक्सपीडिशन में। आज तो हम केवल ये एक असेंबली पॉइंट था, कल और 8-9 ओवरलैंडिंग व्हीकल्स हमें ज्वाइन करने वाली हैं और हम मूव करने वाले हैं पालपुर फॉरेस्ट जो अंदर एरिया है, कूनो का जो एक्चुअल वाइल्ड लाइफ एरिया है उसके अंदर, और वहाँ पर फिर हम अगले 2 दिन रुकेंगे। तो क्या क्या एक्साइटिंग वहां पर होगा आगे के आने वाले व्लॉग्स में हम आपके साथ शेयर करेंगे। जुड़े रहिए कारवां भारत के साथ, अपना ख्याल रखिएगा, स्वस्थ रहिएगा, खुश रहिएगा, फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।